गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मैडम ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 1 बजे से। तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है और मेरा खाना बनाने का टाइम हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भाजी। आज हमारे घर में बनने वाला है दाल चावल और भाजी। अभी गर्मी का टाइम होता है ना, तो हमारे इधर दुर्ग में भाजी बहुत सारी मिलती है, तो हम अधिकतर भाजी बनाते रहते हैं। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों के घर में भाजी बनता है कि नहीं बनता है, और आप लोग ये भी बताना कि ये कौन सी भाजी है। आप लोग देख लीजिए। तो गाइज, यहाँ पर मैंने दाल चावल और भाजी तीनों को अच्छे से वॉश करके रख दिया है। अब मैं एक एक करके इन्हें चढ़ाते जाऊंगी गैस पे। मैंने यहाँ पे दाल और चावल चढ़ा दिया है। अब हम करेंगे भाजी की तैयारी। तो गाइस, भाजी के लिए भी लिया है मैंने 2 टमाटर, 3-4 सूखी मिर्च और 1 छोटा सा प्याज और 5-6 कली लहसुन। भाजी में सिर्फ हम इतनी ही चीज़ें डालेंगे, इसके अलावा ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैंने लहसुन टमाटर प्याज और मिर्ची को काट लिया है। यहाँ पे हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और अब हम डाल रहे हैं इसमें तेल। भाजी में तेल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो आपको कम ही डालना है। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे हम लहसुन और ये जो हमने मिर्ची काटी हुई है वो। अब इसे बहुत ही अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को भी हमें हल्के से सेकना है। डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, डालेंगे नमक। भाजी में नमक बहुत ही कम डालना चाहिए। प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है तो अब इसमें डालेंगे हम भाजी। आपको ऐसे ऐसे इसे सेक लगाते जाना है, भाजी बहुत नरम होती जाएगी। आप देख सकते हैं भाजी कितनी कम होती जा रही है, ये अभी पकने के बाद और कम हो जाएगी। आपको इसे धीरे धीरे करके मिलाते हुए जाना है और जब तक कि भाजी पूरी तरीके से पक नहीं जाती आप इसे ढक के सेकने लगने देंगे। मीडियम कर देना है, उसके बाद आपको इसको ढक देना है और थोड़ी देर अच्छे से सेक लगने देना है। आपको बीच बीच में इसे खोल के देखते रहना है कि ये कितना पका है कितना नहीं पका है। अभी ये पूरा ग्रीन है, मींस ये बिल्कुल भी अभी नहीं पका हुआ है, तो इसे अच्छे से थोड़े से मीडियम फ्लेम पे हमें इसे होने देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो कि भाजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मीन्स भाजी आधी पक चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखा हुआ था। और अच्छे से मिला देंगे। टमाटर के पकने तक हमारी भाजी भी उसके साथ साथ और पक जाएगी। तो गाइस, टमाटर भी गल चुका है और हमारी भाजी भी रेडी हो गई। आप देख सकते हो कितनी सारी भाजी थी और कितनी थोड़ी सी हो गई। तो
गाइस बन चुका है मेरा खाना और मेरा ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मुझे जो मेरा हॉल है वहाँ पर जितना भी सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो उसकी भी मुझे लास्ट सेटिंग करनी है, बट हॉल वाला भी काम मैं ख़त्म कर दूँगी। तो गाइस कल के ब्लॉग में मैंने बताया था ना आपको कि इसमें एक नई चादर रखी हुई है जो पेटी के ऊपर पर्दे के साथ, तो वो चादर ये वाली थी, ग्रे कलर की है। तो जब मैं कल इसे बिछाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और गाइस मैं आप लोगों को अपना हॉल भी दिखा देती हूँ कि जो कि पूरा क्लीन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जितना भी सामान रखा हुआ था और यहाँ पे बोरी वगैरह रखी हुई थी वो मैंने सब साइड कर दिया है। तो अब मेरा हॉल पूरा क्लीन हो चुका है, तो वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे कुछ मेरा सामान रखा हुआ है अभी, और आप देख सकते हो अब हो चुका है पूरा क्लीन। घर की आखिरी सेटिंग मेरी हो चुकी है, अब फिलहाल मुझे कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं करनी है, अब मुझे सिर्फ डेकोरेट करना है। तो वो भी मैं जब मार्केट वगैरह जाऊंगी तो मैं धीरे धीरे करती रहूंगी। और गाइज अगर हो सके तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे सजेशन देना कि मैं कैसे डेकोरेट करूं, और काम कर करके आप मेरा हालत देख सकते हो। तो गाइज घर का काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और वो भी जब आप शिफ्टिंग किए रहते हो तब तो और ज़्यादा। मुझे शिफ्ट हुए एक महीना हो गया, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा काम बचा ही रहता है। बट अब लास्ट काम था मेरा जो कि फाइनल मुझे सेट करना था, वो मैंने कर लिया। तो यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा सामान रखे हुए थे वो भी मैंने सेट कर दिया। और गाइस यहाँ पर धोए थे मैंने अपने जूते चप्पल, वो भी मुझे रखने हैं। एक्चुअली क्या है ना गाइस कि यहाँ पे ना जूते चप्पल रखने का जो रैक है ना, तो मैं इसमें सोच रही हूँ कि मैं इसमें जूते चप्पल एक बार वॉश करने के बाद ही रखूँ। गंदे गंदे जूते चप्पल मैं इसमें नहीं डालना चाहती। और सबसे अच्छा ना मुझे जूते चप्पल रैक रखने में ये लगता है कि आप इसमें आराम से बैठ सकते हो। और तो गाइज इसमें अगर कुशन लग जाएगा, दो या तीन कुशन लगेंगे, उसके बाद ये भी एक सिटिंग एरिया बन जाएगा। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखनी थोड़ी सी भी अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा ब्लॉग। तो बाय गाइज़।